नमस्कार दोस्तों, आपको मेरे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है जिसका नाम है बाय सेल सिग्नल सॉफ्टवेयर। तो अगर आप शेयर मार्केट में काम करते हैं और लॉस से परेशान हैं या फिर आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना रिटर्न आपको नहीं मिल रहा है, तो थोड़ा सा टाइम निकाल के मेरा वीडियो को देख लीजिए, शायद आपके लिए कुछ बेनिफिट हो सकता है। आज को मैं निफ्टी ऑप्शन के ऊपर बेस करके वीडियो बनाने जा रहा हूँ और इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा जो मार्केट में कॉल कैसे बनता है, कैसे आप एक स्ट्रॉन्ग कॉल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे आप फेक कॉल से बच सकते हैं, एज वेल एज एंट्री लेने का साथ साथ आपको एग्जिट कहां पर करना है। देखिए, मार्केट में हर रोज काफी सारा कॉल बनता है जिसमें से कुछ कॉल ही अचीव होता है, मैक्सिमम कॉल अचीव नहीं हो पाता है। तो कॉल आइडेंटिफाई करने का सही तरीका क्या है, इस वीडियो में मैं सारा चीज को एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, काफी सारा नॉलेज आपको मिलने वाला है। तो एज ए एग्जाम्पल, निफ्टी का 22,900 का कॉल का चार्ट लगाया हुआ है। इसमें देखिए जो ग्रीन कलर का एरो, ये आपका सिग्नल है। जब भी कोई सिग्नल बनेगा आपका स्क्रीन के ऊपर ऑटोमेटिकली पॉपअप आ जाएगा, राइट साइड में उसका वैल्यू लिख के आएगा। जैसे 204 में ये बाय का कॉल मुझे मिला था। अब क्वेश्चन ये है, जो कॉल तो बहुत सारा बनता है, कॉल को हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कैसे? तो यहाँ पर तीन बेसिक चीज को देखना है। ये क्या बाइंग का टाइम, नीचे का रिबन का कलर क्या है। अगर नीचे का रिबन का कलर ग्रीन है, इसका मतलब है ऑलरेडी मार्केट में बायर स्ट्रांग है। तो ये आपका पहला इंडिकेशन। दूसरा होता है बाय का कॉल का पहले एक स्टार बनेगा। यहाँ पर स्टार पहले से चल रहा है इसीलिए यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है चार्ट, और भी पहले से ग्रीन स्टार चल रहा है। तो स्टार हम लोग का एक सेकंड कंडीशन होता है, आगे मैं दिखाऊंगा स्टार कैसे आता है। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपोर्टेंट कंडीशन होता है नीचे का ब्रिक्स वाला इंडिकेटर, जिसका कलर को ग्रीन होना चाहिए और ये व्हाइट का ऊपर भी होना चाहिए। अगर ये तीन पैरामीटर मैच होता है तो ये आपको कुछ ना कुछ रिटर्न देखे जाएगा। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल के लिए इसको मैं एक्सटेंड किया, नीचे का रिबन स्टार नहीं दिखाई दे रहा है अभी, और ये ब्रिक्स ग्रीन रहेगा, व्हाइट का ऊपर रहेगा। तो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ट्रेंडी मार्केट में तो कोई भी इंडिकेटर अच्छा प्रॉफिट कर जाता है, बट साइडवेज मार्केट में किस हिसाब से हम लोग प्रॉफिट करते हैं या लॉस से कैसे बचते हैं, पूरा चीज मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तो आज को मैं 14 तारीख का चार्ट को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। देखिए, सबसे पहले यहां पर आपको एक सेलिंग का कॉल दिख रहा है। अगर इस सेल का कॉल बना है, नीचे का रिबन क्या है, रेड है, ब्रिक्स वाला इंडिकेटर रेड है, बट इस सेल का कॉल का पहले अभी तक कोई स्टार नहीं बना है। देखिए स्टार कैसे बनेगा, स्टार है ये वाला, यहाँ पर स्टार है, जो रेड कलर का एरो थोड़ा सा ढक गया है, ये आपका स्टार है। ये तीन कंडीशन मैच होने का बाद ही आप कुछ ना कुछ ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मार्केट गिर रहा है तो हम लोग यहाँ पर पुट बाय करके भी पैसा बना सकते हैं। तो अभी ये जो चार्ट मैं दिखा रहा हूँ, ये कॉल का चार्ट है। नीचे में जो रेड डॉटेड लाइन है, ये आपका सपोर्ट लाइन है। मतलब ये मार्केट कितना नीचे गिरेगा उसका एक बेसिक आइडिया अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप इस रेड डॉटेड को डॉटेड लाइन को देखते हुए लगा सकते हैं। वैसे बाइंग का टाइम ऊपर का जो ग्रीन डॉटेड लाइन है वो रेजिस्टेंस है, इसको देखते हुए आप बाइंग का एक लेवल बना सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मार्केट में आगे क्या मूवमेंट हो रहा है। देखिए रेड डॉटेड लाइन को टच करने के बाद यहां पर एक बार बाय का कॉल बन गया था, तो ये एक बाय का कॉल है। अब क्वेश्चन ये है, जो क्या ये बाय का कॉल सही था? अब आपको दोबारा वही कंडीशन को देखना है। देखिए नीचे का रिबन अभी भी रेड है, तो सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट यही दिख रहा है, जो मार्केट में अभी भी सेलर्स बैठा है। तो उस हिसाब से ये बाय का कॉल आपके लिए चलेगा नहीं। बाय का कॉल का पहले कोई ग्रीन स्टार भी नहीं आया, तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। तो तुरंत दिखाई दिया, नेक्स्ट कैंडल पे ही मार्केट गिरा थी, सेल का कॉल दे दिया। अभी ये सेल का कॉल यहां से और ज्यादा नहीं गिर रहा है, क्योंकि नीचे का ये जो रेड डॉटेड लाइन है, ये सपोर्ट लाइन है जो मैं पहले ही बताया, जो सपोर्ट को टच करने के बाद देखिए नीचे गिरने का चांसेस कम जा रहा है। ब्रिक्स वाला इंडिकेटर को देखते हुए आप स्कैल्प कर सकते हैं। अगर आप ब्रिक्स इंडिकेटर को देख रहे हैं जहां पर ये व्हाइट का ऊपर चला गया और नीचे का रिबन भी ग्रीन हो गया, तो यहां पर आप 5-10 पॉइंट आराम से निकल सकते हैं। अल्टीमेट देखिए यहां पर एक बाय का कॉल मिला है, बट ये कॉल कहां पर कंफर्म हुआ, यहां पर जहां पर स्टार बना है। तो स्टार जो कैंडल है इसका वैल्यू था क्लोजिंग वैल्यू 231 का आसपास, तो मैं 231 रुपया में यहां पर बाय करूंगा। और ये ग्रीन डॉटेड लाइन 254 का रेंज है, तो ये मेरा एक्सपेक्टेशन है जो ये प्रॉफिट मुझे मिल सकता है। अब देखिए हम लोग फंसते कहां पर है और हम लोग इससे बचेंगे कैसे। आप एंट्री ले लिए, एंट्री लेने के बाद जो मेन फोकस रहेगा वो है नीचे का ब्रिक्स का तरफ। अगर आपको ब्लू कलर का ब्रिक्स कंटिन्यूअसली बनते हुए दिख रहा है, तो इसका मतलब ये ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। जब भी कोई ब्लू ब्रिक्स बनता है तो हम लोग क्या करते हैं, उस ब्लू ब्रिक्स का लो का नीचे स्टॉप लॉस को सेट कर लेते हैं। अगर इस कैंडल का भी लो देखूंगा तो 225 है, तो मैं अगर 232 में एंट्री लिया हूं और इस कैंडल पे 225 का स्टॉप लॉस सेट किया हूं, तो देखिए यहां पर मेरा स्टॉप लॉस खा गया है बट लॉस ज्यादा नहीं हुआ है। तो इसका ऊपर ज्यादा फोकस करना है, जो प्रॉफिट का साथ साथ लॉस भी कम हो। ऐसा कोई स्ट्रैटेजी नहीं है जो आपको लॉस नहीं कराएगा कभी भी। ऑब्वियसली आपको फोकस करना है प्रॉफिट को कैसे इंक्रीज करेंगे और लॉस को कैसे डिक्रीज करेंगे। तो देखिए ये बाय का कॉल लॉजिकली सही तो था और हम लोग का एक एक्सपेक्टेशन था जो रेजिस्टेंस लाइन तक मार्केट शायद टान देगा, और उसका पहले जैसे ब्रिक्स का कलर चेंजेस होने लगा तो हम लोग यहाँ पर स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे खुद का सेफ्टी के लिए।
अल्टीमेट देखिए सेल का कॉल बना था यहाँ पर, ही सेल का कॉल अभी भी कंफर्म नहीं है क्योंकि देखिए यहाँ पर कोई स्टार नहीं बना है, नीचे का रिमोट रेड हो गया, स्टार काफी लेट में बना, तो इसका कोई इंपॉर्टेंट नहीं होगा। कोशिश कीजिएगा सिग्नल का साथ अगर स्टार बनता है या उसका पहले आता है तो वो आपके लिए काफी बेटर है। दोबारा यहाँ पर एक बाय का कॉल बना है इस कैंडल लगभग 230 का आसपास। अब यहाँ पर भी देखिए वही ग्रीन स्टार बन चुका है, नीचे का रिमोट ग्रीन है, ब्रिक्स आपका फेवर में, और इस जगह पे भी आपको दिखाई दे रहा है जो ग्रीन डॉटेड लाइन है 254 का, जो मेरा पहले भी एक्सपेक्टेशन था, अभी भी मैं वही एक्सपेक्टेशन लेके यहाँ पर एंट्री लूंगा। और एंट्री लेने के बाद ऑब्वियसली ब्रिक्स का तरफ ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पर ब्लू ब्रिक्स रहा तो हम लोग क्या करेंगे इस ब्लू ब्रिक्स का लो का नीचे एक स्टॉप लॉस सेट कर देंगे। इस टाइम मार्केट का वैल्यू था, लो वैल्यू था 226, तो मैं 226 में स्टॉप लॉस सेट कर दिया हूँ, मेरा टारगेट है 254। तो देखते देखते देखिए इस कैंडल पे 255 का हाई मार दिया था, तो जो हम लोग का एक्सपेक्टेशन था वो आराम से निकल गया। तो यहाँ पर आप आराम से 20-22 पॉइंट का एक प्रॉफिट बना लिए। तो अल्टीमेट देखिए मार्केट यहाँ पर हाई मारा था 262, तो उस हिसाब से अगर देखे दे तो 30 पॉइंट का प्रॉफिट आप यहाँ पर निकाल लिए। तो लॉजिक बहुत ही सिंपल है। फाइनली देखिए यहाँ पर बाय का कॉल, सॉरी सेल का कॉल बना था, सेल का कॉल में देखिए नीचे का रिबन रेड है, नहीं है ग्रीन है, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। फिर बाय का कॉल बना, अब ये बाय का कॉल में आप ट्रेड नहीं कर सकते क्योंकि नीचे का जो ब्रेक्स इंडिकेटर है वो आपको व्हाइट का नीचे दिखाई दे रहा है। तो ये एक साइडवेज मार्केट का भी वीडियो आप बोल सकते हैं। ट्रेंडी मार्केट में तो कोई भी वीडियो बना रहा है, बेसिकली बहुत बंदा मुझे कमेंट करता है जो मैं साइडवेज मार्केट में वीडियो नहीं बनाता हूँ, बट मेरा हर एक टाइप का मार्केट का ऊपर ही वीडियो आता है, चाहे वो ट्रेंडी मार्केट हो या साइडवेज मार्केट हो। आज को 24 तारीख मार्केट कुछ खास जा नहीं रहा है, बट अभी भी आप देख सकते हैं इस सॉफ्टवेयर में आपको बहुत ज्यादा लॉस कराया है, ऐसा नहीं छोटा मोटा आप यहाँ पर प्रॉफिट ही बनाया है। फाइनली देखिए ये जो सेल का कॉल पड़ा, यहाँ पर स्टार था, नीचे का रिमोट रेड था, ब्रेक सबका फेवर में था, मतलब ये कॉल कंफर्म है। तो ये तीन चीज को आपको देखना है, सिग्नल का पहले स्टार, नीचे का रिवन रेड एंड ब्रिक्स वाला इंडिकेटर। अब यहाँ पर मार्केट गिर रहा है तो हम लोग पुट बाय करके भी पैसा बना सकते हैं, और एंट्री लेने के बाद जो फोकस रहेगा वो है ब्रिक्स का तरफ। मैं जो बार बार बताता हूँ, जैसे यहाँ पर ब्रिक्स का कलर देखिए ब्लू हुआ था, तो आप यहाँ पर स्टॉप लॉस को ट्रेल कीजिए, इस कैंडल का हाई का ऊपर स्टॉप लॉस रखिए 240 पे, उसके बाद कंटिन्यू कीजिए। नीचे का जो रेड डॉटेड लाइन है वो आपका सपोर्ट लाइन है, अगर उतना चला जाता है तो आपको निकल जाना बेटर रहेगा। तो अभी मैं चलिए लाइव में आ चुका हूँ, तो ये अभी तक का परफॉर्मेंस है, 2:50 का टाइमिंग हो रहा है, लगभग मार्केट जो काम करना था करके निकल गया है। तो इस टाइप का मार्केट में भी आप इस स्ट्रैटेजी से पैसा बना सकते हैं, छोटा छोटा पैसा बनाइए बट सिक्योरली बनाइए। प्रॉफिट करना जैसा मकसद है, लॉस को रोकना भी वन काइंड ऑफ प्रॉफिट होता है। तो कैसा लगा स्ट्रैटेजी जरूर कमेंट करके बोलिए, अच्छा लगने से लाइक शेयर जरूर कीजिए, फर्स्ट टाइम चैनल को देख रहे तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। मन में कोई भी डाउट या क्वेरीज तो आप दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, लाइव डेमो के लिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बोलिएगा। थैंक यू।